लिख घंटादि पूर्णमेकम दत्वा साधुक्त मुक्तिवाक् सर्वान् कामान् वाम्नोति अप्रयच्छतीं तकांचनम्। इसमें लिखा है घंटानाद, ये पूरा चैप्टर इसी में है। अब ये मेरे लिए कहना जरूरी है, नहीं तो ग्रंथ के साथ अन्याय हो जाएगा। तभी तो मंदिरों में घंटा बजेंगे जब यहाँ से बातें बोली जाएंगी। इसलिए तुलसी तपोवन गौशाला में दुनिया भर के घंटे लगे हैं। इसमें लिखा है कि जब घंटा बजता है तो पूरी आवाज़ पितृलोक तक पहुँचती है, जिससे पूर्वजों को बड़े आनंद का अनुभव होता है, वाक सिद्धि हो जाती है। घंटा की ये महिमा है। घंटाद पूर्णमम्बेकम दत्वा स्याद मुक्त भुक्ति काम, घंटे का दान है वह मुक्ति को देने वाला है, ऐसा अग्नि पुराण में स्वयं अग्नि देवता बोले। सुवर्णे दिए माने तू रजतम दक्षिणस्वते, ये मैंने पूर्व में भी बोला होगा। बेटी का आप विवाह करते हैं, बहुत पैसा पूसा आप देते हैं, उसको कुछ स्वर्ण और चांदी भी दीजिए, ये दोनों के दोनों बिल्कुल मुक्ति के कारण के। सुवर्णम रजतम ताम्रम तंडुल धान्य बेवचा, ये इतनी चीज़ें सोना है, चांदी है, तांवा है, चावल है, धान, नित्य श्राद्धम देव पूजाम सर्वमेतद दक्षिणाम। भैया ये चीज़ों का दान करने वाले लोगों को नित्य श्राद्ध करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, ऐसे फल की प्राप्ति होती है। उसमें एक चावल का भी दान है, धान का दान है, और उसमें स्वर्ण और रजत यानी चांदी का भी उसमें दान है। इसका वर्णन किया गया। और एक और सुन लीजिए, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। लिखा है कि त्रिसप्त कुल मुद्दव्य कन्यादो ब्रह्म लोकवाक, उन लोगों की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं जिस परिवार में कन्या का दान किया गया है, कन्या दान किया है, लेकिन उसकी आयु का वर्णन किया है। कन्या दान की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया है। वो बड़भागी है धरती पर वो माता पिता जिन्होंने कन्या दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसमें तो लिखा है कि 10,000 घोड़े, 10,000 गायों का आप जो दान करते हैं उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, एक बेटी का कन्यादान करने से उतने फल की प्राप्ति होती है। अग्निदेव भगवान ने वशिष्ठ मुनि के सामने ऐसा वर्णन किया। माइक खोलिएगा। कन्या की इतनी बड़ी महिमा बताई, खुद की कन्या नहीं है तो किसी गरीब की बेटी को लेकर उसका कन्यादान करें, उसकी बेटी के विवाह में आप सहयोग करें, क्योंकि ये त्रिसप्त कुलद भ्रुत्या, यहाँ तो 21 कुलों के तारण की बात कही गई है। कन्यादान बहुत बड़े दानों में से एक दान है। कन्यादो ब्रह्म लोक भाग, ऐसे लोग सीधे ब्रह्म लोक में ही जाते हैं जिन्होंने अपने हाथों से कन्यादान किया है। समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? हाट कच्छत गौरीणाम सप्त जन्मानुगम फलम। मैं सजग्र समझदार लोगों को कहना चाहूंगा, आप कितने भी उस परिवार के, मैं ग्रंथ के माध्यम से बात बोल रहा हूँ, उस परिवार के कितने भी पूज्य लोग आप क्यों नहीं हैं, जब कभी आप किसी की बेटी के विवाह में जाते हैं तो भूल करके भी लिफाफा मत लो, दक्षिणा मत लो। ये साधुओं को भी चाहिए, ये महापुरुषों को भी चाहिए। मैंने तो जीवन में कभी लिया नहीं है, इसलिए खुल के बोल रहा हूँ। बेटी के विवाह में कभी कहीं आना जाना हुआ हो, हमने तो एक टका भी नहीं लिया, लेना भी नहीं चाहिए। चाहे आप उस परिवार के समधी हैं, चाहे आप समधिन हैं, चाहे आप और भी कोई पूज्य क्यों नहीं है, यहाँ तक कि जामाता भी पहुँचे और उस परिवार में यदि कन्या की शादी है तो उस समय दक्षिणा मत लीजिएगा। बेटी के विवाह पर दक्षिणा ना लें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा आप करते हैं तो ये धन छोड़ने पर आपके घर में जो धन है उसमें बहुत भारी वृद्धि होती है, ऐसा भगवान अग्निदेव बोले। देखो कितनी बजनी की बात है। अब ये बातें तो तब मिलेंगी सुनने को जब ग्रंथ पढ़ेंगे, कथा सुनेंगे। कितनी अच्छी बात कही है, बेटी के विवाह उत्सव में जो बने सो आप दीजिएगा। आपको पता है पूज्य लोगों से नहीं लेते, तो आप जानते ही हैं, जो पूज्य हैं उनसे नहीं लेते, लेकिन कन्या के विवाह में, बेटी के विवाह में तो हर व्यक्ति को लगाने का अधिकार है। यहां तक संतों को भी लगाना चाहिए, गुरुजनों को लगाना चाहिए कन्या के विवाह में, क्योंकि इसको एक यज्ञ माना गया है। बेटी के विवाह को यज्ञ का रूप दिया गया है।
इसको यजन माना गया, इसको यज्ञ माना गया है। वह माता पिता बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जिनके यहाँ कन्या रतन की प्राप्ति हुई है। ये बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। बेटी ऐसे ही जन्म नहीं ले लेती हैं। बेटी का आना बहुत ज़्यादा शुभ है। मनु जी महाराज की कथा में जब वहाँ तीन बेटियों का जन्म होता है, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ऋतविश्रुता, तो वहाँ कन्या के आगमन पर कुछ बहुत बड़ी महिमाओं का वर्णन किया है। उसमें कहा कि सर्वप्रथम बेटी कन्या आई है, समझ लो कि स्वयं जगदम्बा आपके घर चल करके आई है, और जहाँ जगदम्बा आई है वहाँ महादेव तो उस घर को कभी छोड़ नहीं सकते, और जिसके घर में महादेव है यमराज की तो एक ना चले। वहाँ जिसके घर में बेटी आई है वहाँ लक्ष्मी का आगमन हुआ है, जहाँ लक्ष्मी है वहीं तो नारायण है, और जहाँ लक्ष्मी नारायण होंगे वहाँ गरीबी कहाँ से चल के आ जाएगी, आ ही नहीं सकती। तो बेटियों के जन्म पर तो अति प्रसन्न होइएगा। आप ये टम्पुओं का इतना उत्सव मनाते हो, जन्मदिन मनाओगे हैप्पी बर्थडे टू यू, कितना आप बेटियों का जन्मदिन मनाते हैं? बेटियों को तो, बेटियों ने जन्म ले लिया क्या कुछ गुनाह कर दिया है? क्या जवाब है आपका? बेटियों का उत्सव, कोई भले जन उनको खुशी होती हो, अरे हर्ष होना चाहिए। हिमाचल पर्वत के यहाँ जिस समय कन्या का जन्म हुआ था, जितने पहाड़ थे वो सब नाच रहे थे, इतना आनंद हो रहा था। अपनी बीड़ा बजाते हुए देवश्री नारद जी भी वहाँ आ गए। देवी भागवत में बहुत विस्तार पूर्वक कथा है। बेटियों का जन्मदिन मनाइए। धन्य है वह भाई जो अपनी बहनों को अतिशय स्नेह प्रेम करते हैं। मुझे स्कंद पुराण की कथा याद आती है, सुभद्रा का कन्यादान बलराम जी ने अपने हाथों से किया। बलभद्र को सुभद्रा बहुत प्रिय है। जब वो संकल्प कर रहे थे, आंखें भर आई, रो पड़े, कहने लगे सुभद्रा क्या करूं, छाती फटती है, तुझे भेजना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी बहन इस समय तू जो मांगेगी वो मैं दूंगा, तू बोल तो दे। सुभद्रा रो पड़ी। सुभद्रा ने कहा भैया कलियुग आने वाला है, पता नहीं भाई लोग बहनों को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, यह मांगे दे दो कि भरे कलयुग में भी मेरे भाई मुझसे और मैं अपने भाइयों से अलग ना हो पाऊं। बलराम जी ने कहा ऐसा ही होगा, आज भी समुद्र के किनारे ये बहन और भाई जगन्नाथ मंदिर में विराजित हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। बहन और भाई का तो अद्भुत प्रेम होता है। जब भाई भाई लड़ते हैं, माता पिता भी समझौता नहीं करवा पाते, वहाँ बहन कंप्रोमाइजन करा देती है। ऐसी बहन है, भाई आपको एक हो या चार हो, कभी भी भाइयों के साथ आप पक्षपात मत करना। आपकी वजह से भाई भाई के घर में दीवार न बने। आपको सभी भाभियाँ अपनी लगें, आपको सभी भाई अपने लगें, यही तो आपकी महानता है, यही तो आपकी विशेषता है, तभी तो आप बहन हैं। ये नहीं कि एक भाई तुम्हें मोटा लिफाफा दे देता है तो उसके खूब गीत गाएं, दूसरे के पास बेचारे के पास है नहीं तो तुम तो जाती हो तो दो मिनट का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, कहते हैं अरे हमें देर हो रही है। अरे भैया उसके पास नहीं है। भाइयों के प्रेम को आप धन से मत तोलिए, भाइयों के प्रेम को आप श्रद्धा से तोलिए तो ज़्यादा ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया। बहन और भाई का जो अनूठा स्नेह है, अनूठा जो प्रेम है, उसको शब्दों से तोला नहीं जा सकता।